साथ उनकी लड़ाई है, सुंदर जीवन कैसा जा रहा है। तो ये हमारा अचीवमेंट है और इसमें बहुत लंबी लिस्ट है और बहुत अच्छे लोग भी हैं जो सपोर्ट करते हैं, जो यहाँ पे आके हॉस्पिटल में आके अपनी सेवाएं भी देते हैं एज अ काउंसलर या एज अ और भी एक तरह से अपनी सेवाएं देते हैं हॉस्पिटल में। और उसके अलावा विभिन्न महिला संगठन और IMA आगरा, ये सब का भी सहयोग रहेगा हमें उस दिन। और जो बच्चों का जो कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसका भी एक छोटा सा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो चूज़ कर लिया हर स्कूल में से, उनको हमने एक दोबारा यहाँ पे बैठ के कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेंगे, उसमें से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे उनको हम शील्ड देंगे। मैम, कैंसर सोसाइटी पुरानी संस्था है, तो जो कैंसर पीड़ित मरीज हैं बदकर पब्लिक, तो उनको क्या मदद मिली है सोसाइटी से? जो कैंसर आर्मी कैंसर सोसाइटी एक बहुत पुरानी संस्था है। जैसे हमें पुरुषोत्तम दास सावित्री देवी हॉस्पिटल एक ऐसी संस्था है जहाँ पे लीनियर एक्सेलरेटर मशीन है हमारी, जो कि डुअल एनर्जी लीनियर एक्सेलरेटर मशीन है, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहली मशीन है। और इसका तीन तरह से इलाज होता है, 3D CRT, IMRT और IGRT। तो ये इलाज काफ़ी महंगा होता है। आगरा कैंसर सोसाइटी का जो रोल है उसमें ये रहता है कि किसी प्रकार से अगर कोई गरीब मरीज़ है और अपने पैसों से ये रेडियोथेरेपी का इलाज करा रहा है, और तो हम पूरी कोशिश करते हैं उस सोसाइटी से कि अगर हम उस मरीज़ की कुछ मदद कर पाएँ। तो इसी तरह से ऑपरेशन के दौरान, कैंसर का ऑपरेशन बहुत बड़ा कैंसर का ऑपरेशन होता है, उसमें भी दवाइयाँ बहुत महंगी लगती हैं, बहुत लंबा ऑपरेशन होता है। जैसे यहाँ पे जो मुंह के कैंसर्स होते हैं उसमें बहुत लंबा ऑपरेशन होता है, फ्री फ्लैप कभी कई बार लगता है, क्योंकि लंबी सर्जरी होती है और महंगा इलाज होता है, उसमें भी हम मरीजों को सपोर्ट करते हैं।